देखिए, इसके पहले संजय राउत ने यह साफ किया था कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही सीएम होगा, 5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा। सुनिए आप। मैंने इतना ही कहा मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, और मैं इतना ही कहता हूं पूरी महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने, और हमें विश्वास है वो हमारी भावना की आदर करें। दिल्ली में बैठकर, यहाँ बैठकर सत्ता और ताकत के बल पर महाराष्ट्र की कुंडली बिगाड़ देंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और हम बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिक है, ये किसी ने भूलना नहीं चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में हमेशा जो दिल्ली से आदेश लेकर आने वाले जो राजनीति होती है वो फेल कर दी, चाहे बाला साहब ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार साहब हो, ये हमेशा इस मिट्टी के नेता रहे हैं और छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर हमने राजनीति भी की है और सामाजिक कार्य किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो महाराष्ट्र का काम है, सत्ता है, तो दिल्ली नहीं चला। संजय राउत की बात अपनी जगह। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि अगले 2 दिन में हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सुनिए आप। महाराष्ट्र में तय हो गया है कि अगली सरकार जो है वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की होगी। इस बारे में हम बात करते हैं एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक से। नवाब भाई, खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, क्या कोई फॉर्मूला भी है उसमें ढाई ढाई साल का? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले 2 दिन हम कांग्रेस के साथ दिल्ली में बैठे, उस पर हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा की और हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि शिवसेना के साथ मिलकर कोई सरकार बनाए। आज सभी नेता कांग्रेस के भी दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, 4 बजे बैठ के अंतिम निर्णय हमारा हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज या कल सरकार बनाने का हम दावा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय अगले सप्ताह में कोई चुनी हुई सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी ये कौन मुख्यमंत्री, कितना साल, कितने मंत्री, इन बिंदुओं पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा यह है कि 5 साल सरकार चले, जनहित की सरकार हो, लोगों को न्याय दिया जाए। तो हमें लगता है आज देर रात तक चीजें सारी मुकम्मल हो जाएगी, आज या कल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन ये जो खबरें आ रही है कि ढाई ढाई साल का फॉर्मूला है, खबरें तो बहुत कुछ आ रही है, लेकिन इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ना दिल्ली की बैठकों में हुई ना अभी तक हुई है। निश्चित रूप से तीनों पार्टी के चुनिंदा लोग बैठेंगे और सभी बिंदुओं पर चर्चा करके अंतिम निर्णय होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास आज या कल हम लोग सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यानी अगले हफ्ते तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। राज्यपाल महोदय कितनी जल्दी गठन करवाते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह में चुनी हुई सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। संजय निरूपम ने एक ट्वीट किया, वो भी आपको बता दें। देखिए, कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने आज कहा है कि महाअघाड़ी गठबंधन पर सवाल उठा दिए। ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी को रोकने के लिए हाथ मिलाने से कांग्रेस को ही नुकसान होगा। आखिर 3 तिगाड़े काम बिगाड़े वाली सरकार चलेगी कब तक? सरकार गिरी या चुनाव हुए तो बीजेपी को ही फायदा होगा। देखिए, संजय निरुपम का जो ट्वीट है, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे नेताओं का तर्क है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम शिवसेना से हाथ मिलाने का जोखिम उठा रहे हैं। तो शिवसेना और कांग्रेस का ये जो साथ है उसे जोखिम भरा बता दिया संजय निरुपम ने। और मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा इसको जुड़े हैं, तो रुख उनका भी कर लेते हैं। मातोश्री के बाहर इस वक्त अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बात बताएं, क्योंकि पहले तो यही कहा जा रहा था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में सहमति बन गई है, 5 साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। अब क्या शिवसेना मंथन करने में जुट गई है क्या कि मुख्यमंत्री बनाए तो किसे बनाए? देखिए, बात को लेकर बिल्कुल एक बड़ा कहते हैं पेच है सूचना के लिए कि सीएम सही बात है कि कौन बने, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से बात करें, एनसीपी की तरफ से बात करें, लगातार कहा जा रहा है कि उनको तरफ से प्रेशर है, दबाव भी है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उद्धव ठाकरे बनेंगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। और जितने भी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता है और कई सारे ऐसे हैं जो कांग्रेस के मंत्री बनेंगे, अशोक चौहान की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके साथ ऐसा काम करने वाला शख्स हो जो कि काफी अनुभवी हो, भले ही उद्धव ठाकरे को सरकार का अनुभव नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टी का काफी बड़ा अनुभव है, एक बड़ा नाम है, तो उनका नाम को कोई विरोध नहीं हो सकता।
सकता है। तो यही वजह है कि जब लगातार पीछे इसी मातोश्री में लगातार मीटिंग चल रही है, उद्धव ठाकरे के साथ वो तमाम विधायक है, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मुझे कोई मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है, क्योंकि सभी विधायकों ने एक सुर में साफ कहा कि हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे यानी आप ही मुख्यमंत्री बने, दूसरा कोई मुख्यमंत्री ना बने। इस पर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमने बाला साहब ठाकरे को वचन दिया हुआ है कि एक शिवसैनिक को मैं सीएम बनाऊंगा, अगर मैं सीएम बनूंगा तो मैसेज सही नहीं जाएगा और मेरी कोई लालसा मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। और यही वजह है कि क्या मैं ये समझूं कि उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं लेना चाहता हूं, और उसके बाद अगला नाम सामने आ रहा है उनकी तरफ से मना किए जाने के बाद यह खबर है? अब बिल्कुल देखिए, मीटिंग में साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने मना किया कि बिल्कुल वो नहीं चाहते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना। और देखिए, अभी तक दूसरा नाम जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे का इसलिए नाम सबसे बड़ा आ रहा है क्योंकि वह विधायक दल के नेता भी है इस वक्त शिवसेना के, और मंत्री है, कद्दावर नेता है, सूचना में काफी अच्छी उनकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में पकड़ है, तो इसलिए उनका नाम सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं सूचना तरफ से। लेकिन दूसरा नाम भी सामने आ रहा है जो संजय राउत का नाम है, कुछ जगहों से आ रहा है संजय राउत भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे की पसंद है, उनका भी नाम आ सकता है। लेकिन संजय राउत के नाम पर क्या सहमति कांग्रेस और एनसीपी में बन पाएगी क्या? अगर संजय राउत बनते हैं तो शरद पवार ने पहले ही कह दिया कि वो चाहते हैं कि संजय राउत भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, आप समझते हैं कि राजनीति रंग बदलते रंगों का खेल है, राजनीति में कब कहां रंग बदल जाए, क्या हो जाए, भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे हम दोबारा आपके